हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना जोशी, मैं आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में कोड नंबर 103 अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 और उसका टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग अर्थात रासायनिक बंध। इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक बंध क्या होता है, ये क्यों बनता है, इसके बनने के क्या कारण है और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साधारण ताप पर बहुत कम तत्वों के परमाणु जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था अर्थात स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जनरली सभी तत्वों के परमाणु में आपस में या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजित होने की प्रवृत्ति होती है, जिससे ये एक गुच्छ या समूह का निर्माण करते हैं। ऐसा समूह जो है वो अणु या आयन कहलाता है। अतः परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल जिससे इस गुच्छ या समूह का निर्माण होता है रासायनिक बंध कहलाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द एटम्स ऑफ वेरी लेसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू फाउंड इन द फ्री स्टेट, दैट इज एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ईच अदर और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म अ क्लस्टर और ग्रुप। सच क्लस्टर और ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और आयन। दस एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इज फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ सच क्लस्टर और ग्रुप इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दस एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप और क्लस्टर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, दैट इज केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स मॉलिक्यूल और आयन। अतः रासायनिक बंध एक ऐसा आकर्षण बल है जिसके कारण दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ बंधित होकर अणु या आयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक बंध के कारण जो परमाणु है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और एक अणु या आयन बनता है। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है जिसके ऊपर धनावेश होता है तथा उसके चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इस धनावेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब कोई भी दो परमाणु विपरीत दिशा से एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके बीच दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक बल आकर्षण का होता है तथा दूसरा प्रतिकर्षण का। चूंकि यहाँ नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, अतः एक परमाणु के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु के धनावेशित नाभिक के बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है, जबकि दोनों परमाणु के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों तथा धनावेशित नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के और अधिक नजदीक आते हैं तो इन दोनों के बल बीच में या तो आकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण। यदि दोनों परमाणुओं के बीच आकर्षण का बल अधिक प्रभावी हो तो इन दोनों परमाणुओं के संयुक्त होने से रासायनिक बंध का निर्माण होता है, जबकि प्रतिकर्षण बल के प्रभावी होने से रासायनिक बंध नहीं बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब कोई परमाणु पास पास आए तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल के प्रभावी होने से
उनके बीच रासायनिक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि दो परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ये आकर्षण बल किसी भी निकाय या सिस्टम को स्टेबल करता है, अर्थात उसे स्थायित्व प्रदान करता है। इस स्थायित्व के कारण इस निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि नाभिक नाभिक या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण से, रिपल्शन से निकाय की ऊर्जा बढ़ जाती है और निकाय की ऊर्जा में वृद्धि से निकाय अस्थायी हो जाने से दो परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण नहीं हो पाता है। इन एन एटम देयर आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम व्हाइल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड इट। When two atoms come adjacent to each other from the opposite direction, then an attractive force operates between the electron of one atom while nucleon of other atom. An electron of one atom attracts nucleus of other atom, while a repulsive force acts between electrons of both atoms and nuclei of both atoms. When both atoms come very adjacent to each other, then either attractive or repulsive force act between them. If an attractive force is more effective, then both atoms combine and form a molecule which results in a chemical bond. An attractive force provides stability to any system and results in decrease of that system. Thus, due to stability and decrease in energy, a chemical bond results, which results in the formation of a molecule. While a repulsive force decreases the stability, increases the energy, so chemical bond cannot be formed. It is the reason for the formation of a chemical bond. इस प्रकार हमने ये देखा किस प्रकार परमाणु पास पास आते हैं और उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। अगर आकर्षण बल प्रभावी हो तो वो सिस्टम को स्टेबल कर देता है और जिससे उनके बीच में रासायनिक बंध अर्थात केमिकल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार परमाणु आपस में जुड़कर रासायनिक बंध बनाते हैं। ये जो रासायनिक बंध बनता है परमाणुओं के बीच में, उसके भी कुछ कारण है। द एटम्स यूनाइट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पेक्टिव एटम्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट रीजन इज, पहला कारण है कि जब कोई भी दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल प्रभावी होने से उनके बीच की ऊर्जा कम हो जाती है और ये ऊर्जा उस निकाय को अधिक स्थायी बनाती है और इस अधिक स्थायित्व के कारण अणु का फेवरेबल हो जाता है। अणु के बनने से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। फर्स्ट रीजन है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड the energy of combining atoms decreases, which provides the stability to the system, and this stability of the system favors the formation of a chemical bond. दूसरा कारण है अष्टक नियम, octet rule। इसकी सहायता से भी हम समझा सकते हैं कि कैसे परमाणु जो है वो रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। ये नियम जो है वो लेविस कॉसल द्वारा दिया गया। ये नियम स्पष्ट करता है कि परमाणु में आपस में संयोजित होने की प्रवृत्ति क्यों होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम अर्थात संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को जो प्राप्त करने की प्रवृत्ति है उसे अष्टक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी
अणु के निर्माण के दौरान परमाणु की प्रवृत्ति एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, प्राप्त कर या साझे के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की होती है, जिससे हमें एक स्थायी 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से अत्यधिक स्थायी होते हैं, अतः इन्हें अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये बंध निर्माण में अर्थात अणु के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। परंतु यदि किसी परमाणु के संयोजकता या बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, अर्थात इनकी प्रवृत्ति किसी अन्य परमाणु के साथ या स्वयं के साथ संयोजित होने की हो जाती है। अतः ऐसे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो वे एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात इस दूसरे फैक्टर में हमने देखा कि रासायनिक बंध बनने का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कारक है अष्टक नियम, अर्थात परमाणु की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने की होती है, अतः ये अणु निर्माण में रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेता है। उदाहरण के लिए जो नोबल गैसेस होती है, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है। अतः ये गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होने से इनकी प्रवृत्ति किसी अन्य के साथ या स्वयं के साथ अभिक्रिया करने की नहीं होती है, अतः इन्हें इनर्ट गैसें अर्थात अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। जैसे नियोन जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु क्रमांक अर्थात किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2.8। यहाँ ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये बाह्यतम कोश के, तो ये व्यक्त करता है कि नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण है। अतः नियोन की प्रवृत्ति किसी अन्य एटम के अथवा परमाणु के साथ करने की अभिक्रिया करने की नहीं है, अतः ये बंध निर्माण में भाग नहीं लेता। इसी प्रकार आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका बाह्यतम विन्यास 2.8.8, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। पेनल्टीमेट शेल अर्थात बाह्यतम के पहले वाले में 8 और उसके आंतरिक में 2, चूंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है अतः इसका भी अष्टक पूर्ण है, अतः यह भी रासायनिक बंध निर्माण में भाग नहीं लेती। सिमिलरली क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर इज 36 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2.8.18.8। सिंस इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल सो इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ एनी अदर एटम, सो इट इज ऑल्सो इनर्ट। अतः ये गैसें जो है वो अक्रिय गैसें कहलाती है। इस प्रकार ये अष्टक नियम व्यक्त करता है कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उनकी प्रवृत्ति रासायनिक बंध बनाने की होती है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व हैं, जो भी, वह रासायनिक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते। दिस ऑक्टेट रूल वॉज गिवन बाय लेविस और कौसल, विच एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड एटम्स loses, gain
और शेयर इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिस्टम. अकॉर्डिंग टू लेविस, दोज एटम विच कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आर केमिकली स्टेबल एंड दोज एटम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, वाइल दोज एटम्स विच हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 इन देयर वैलेंस शेल आर केमिकली रिएक्टिव एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विथ अदर एटम्स. सो दिस रूल एक्सप्लेन्स दैट एटम्स विच हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 आर वेरी रिएक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस लाइक नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, सो देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड दे आर केमिकली इनर्ट.